पीड़ितों के पैसों के तेल से चलती है मथुरा पुलिस की सरकारी गाड़ियां। चार महीने से न्याय के लिए भटक रहे युवक ने लगाया आरोप। 10 रुपए के स्टाम्प के आधार पर ही हड़पा पीड़ित का मकान। मांड थाने में चल रहा भ्रष्टाचारी का बड़ा खेल। न्याय दिलाने के नाम पर डलवाया जाता था थाने की गाड़ियों में पीड़ित से तेल। देखिए क्या क्या आरोप लगाए इस पीड़ित युवक ने। जनपद मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। धनेश नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सब बाजने का रहने वाला। अच्छा, आज यहाँ SSP साहब के आप आए हो, कुछ क्या कुछ मामला है? आज ये मामला मेरा ये है, मेरी ननसार में मुझे घर और मकान मिला था, खेत मिला था, मेरे नाना जी देके गई थी मेरी माँ को। सर एक राजकुमार नाम का लड़का है, पूरब रतन सिंह, पूरब रतनी और सनव रतन सिंह, उसने मेरा मकान 10 रुपए के स्टाम्प से एक जाट के लिए बेनामा कर दिया, प्रेमवीर सनव बाबूलाल जी। और साहब हम गए थे, उन्होंने हमसे बहुत बदतमीजी करी थी, हमारे पैसे वैसे भी हमारी। तो इसकी सूचना आपने थाने में नहीं दी? थाने में दी थी मैंने सर। थाना कौन सा लगता है तुम्हारा? थाना माट लगता है मेरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? 112 नंबर पुलिस बुलाई थी मैंने वहाँ पे, तो पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की थी कि ले जाते हैं, चल बेटा तेरा मुकदमा लिखाएंगे, चल बेटा तेरा मुकदमा। 3-3, 4-4 घंटे मुझे थाने में बैठा के रखते हैं। आज मुझे 4 महीने आएगा घूमते घूमते, बड़ी मुश्किल से जा करके मेरी कोई जांच लिखी है। हाँ मैं तेरा ये कर दूंगा, कप्तान साहब का भेज दिया है, ऑर्डर होगा वहाँ से जब तेरा मुकदमा दर्ज होगा। और कहते हैं कि पुलिस की गाड़ी में 1000 रुपये का तेल डरवा के ला। किसने कहा ये बात? ये इंस्पेक्टर साहब ने कहा था, बेटे धनेश तू ऐसा कर, इसमें 1000 रुपये का तेल डरवा दे। क्या नाम है उनका? उनका साहब इंस्पेक्टर जावला जी है वे, उन्होंने कहा था। आपने तेल डरवाया था उनकी गाड़ी साहब? 1000 रुपये की गाड़ी में तेल डरवाया था, वे नहीं गए थे मगर उन्होंने पुलिस भेजी थी तेल डरवाने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद में साहब वो मुझे ऐसे ही बहलाते रहे, चिपकाते रहे, बहुत मीठी मीठी बात बनाते रहे, और मैं सब तरीका से उन्होंने बेकअप कर दिया कि मैं जाता हूँ रोज, डेली आता हूँ, रोज परेशान होता हूँ मैं, कभी अपनी मम्मी ले जाता हूँ, कभी मैं जाता हूँ, कभी पापा जाते हैं। हम सब इतने परेशान है कि इन्होंने हमको कोई लाभ नहीं दिया। अब उन्होंने लास्ट में किया, हमने बेटे तेरी रिपोर्ट लिख दी और SSP साहब के यहाँ पर, कप्तान साहब के यहाँ भेज दिए, और वहाँ से आदेश होकर के आ जाएगा तो तेरा मुकदमा दर्ज हो जाएगा। और भाई नहीं, हम अपनी अनुमति से मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये 420 का मुकदमा है, फलाना ठीक है, उन्होंने बहुत बात बनाई।